back to my channel. How are you all doing? So by the title आपको already पता चल गया होगा that yes, आज मैं एक skin care product को review करने जा रही हूँ. It's a very new launch and I was super excited for this one. Especially for this one. मैंने past में भी कुछ एक जो skin care products हैं उनको review करा है. दो उनके results अच्छे थे but मैं इतनी ज़्यादा excited कभी किसी product को नहीं हुई. लेकर नहीं हुई एंड यस थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा क्यों इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी मैं. आज हम बात कर रहे हैं इस प्रोडक्ट के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द पैकेजिंग गाइस, इट्स सो शीक, सो क्लासी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इसकी जो है पैकेजिंग है, बहुत अच्छे से जो है इसको बना रखा. आई एम इन लव विद द पैकेजिंग. सिर्फ एक लीव यहाँ पे बना रखी है और बहुत प्रिटी लग रही है. बैक पे आपको यहाँ पे इसका यूज बताया किस तरीके से आप यूज करेंगे इसको एंड जो भी क्वांटिटी आप परचेज करते हैं उसके ml भी यहाँ पे लिखे हैं. एज ऑफ नाउ मैंने 130 ml का जो प्रोडक्ट है वो परचेज करा है. एंड अब बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में. सो ये है लॉरियल पेरिस का क्रिस्टल माइक्रो असेंस. ये स्किन केयर प्रोडक्ट है. आप इसे मेकअप से पहले भी डेली यूज कर सकते हैं. हम कोई भी स्किन केयर अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से ओवरनाइट हमारी स्किन को जो है हाइड्रेट करता है, जितने भी ब्रेकआउट्स होते हैं उन्हें क्लियर करता है. एंड इसकी अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, इसकी वॉटरी कंसिस्टेंसी है, यू कैन सी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कंसिस्टेंसी है इसकी. साथ ही साथ इसकी बात करूं तो वॉटरी कंसिस्टेंसी होने के साथ में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत ज्यादा थिक नहीं है, बिल्कुल लाइट वेट है. आपको पता भी नहीं चलेगा आपने फेस पे कुछ लगाया. आपको सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप्स इसके लेने, उनको पाम पे अच्छे से रब करके आपको सिर्फ डैब करना है स्किन पे एंड यू विल बी गुड टू गो. थोड़ी देर में आई शो यू द मिनी रिव्यू बट उससे पहले बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की. सो ये आपकी स्किन को 10 लेयर्स तक पेनिट्रेट करता है. इमेजिन 10 लेयर्स तक जब आपकी स्किन को पेनिट्रेशन मिलती है तो डीप नरिशमेंट जो है हमारी स्किन को मिलती है. अंदर तक जब आपकी स्किन नरिश रहेगी, हाइड्रेट रहेगी तो ऑटोमेटिक जो है वो इंटरनली ग्लो जो है आपकी स्किन पे आएगा. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. इट्स बीन मोर देन 2 वीक्स आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं. यू कैन सी दो मैंने थोड़ा सा मेकअप कर रखा है बट स्टिल. साथ ही साथ मैं इस पूरी बॉटल का एक मैंने बॉटल चैलेंज ली है. सो इसके रिव्यूज जो है मैं साथ के साथ अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर करती रहूंगी. सो या अभी बातें बहुत होगी, लेट्स जस्ट मूव अहेड एंड सी द मिनी रिव्यू एंड द यूसेज. मैंने स्किन पे जो है कोई भी मेकअप अभी नहीं है मेरी स्किन पे. मैंने सारा मेकअप रिमूव कर लिया बट उसके अलावा कोई भी स्किन केयर अप्लाई नहीं करा है. सो आई एम गोइंग टू ट्राई दिस वन सो दैट आपको भी पता चल जाए इसे कैसे यूज करना है. सो इस तरीके से आप इसकी पैकेजिंग को ओपन कर सकते हैं एंड देन लुक एट दिस. वॉटरी कंसिस्टेंसी है इसकी. आपको इसको जो है पाम पे इस तरीके से रब करना है एंड सी. सी बिल्कुल भी ये जो है चिपचिपा नहीं लग रहा है, कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने अप्लाई कर रखा है. स्टिल मुझे खुद से फील हो रहा है कि स्किन जो है वो सॉफ्ट लग रही है एंड जब इसको इतना डीप पेनिट्रेशन और हाइड्रेशन मिलेगा तो ऑटोमेटिक जो है आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे. सो आपको ऐसे ही यूज करना है. मॉर्निंग में आप मेकअप से पहले फाउंडेशन बीबी क्रीम जब भी अप्लाई करें उससे पहले यूज कर सकते हैं एंड जब भी आप शाम को फ्री हैं, आप अपना मेकअप रिमूव कर रहे हैं, स्किन केयर का टाइम है तो अगर आप कोई भी स्किन केयर नहीं यूज करना चाहते हैं आप सिर्फ इसे अप्लाई कर सकते हैं एंड यू विल बी गुड. आप सबने देख लिया एंड कंसिस्टेंसी जैसे मैं कह रही थी वॉटरी कंसिस्टेंसी है वो भी आपने इसमें देख ली होगी. ट्रस्ट मी गाइस बहुत लाइट वेट है, बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है एंड स्पेशली जो समर्स अभी सीजन आने वाला है इट्स नॉट टू फार.
और अ पर्सन लाइक मी जिसे ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्वेट होता है समर्स में, सो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हैवी मॉइस्चराइजर या सीरम्स को अप्लाई करना. दो क्लियर स्किन सभी को पसंद है बट वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है स्पेशली इन समर्स. सो इसको अगर आप समर्स में अप्लाई कर रहे हो बिकॉज बहुत जल्दी ये स्किन के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है, ऊपर आपको नहीं लगता कि आपने कुछ भी यूज कर रखा है बट ये डीप जो है जाके 10 लेयर्स तक पेनिट्रेट करता है आपकी स्किन को, जितने भी ब्रेकआउट्स होते हैं उन्हें क्लियर करता है. सो अगर इतनी अच्छे से पेनिट्रेशन और हाइड्रेशन मिल रही हो तो ऑटोमेटिक जो है वो ग्लो आपकी स्किन पे जरूर आता है. एंड जितना मुझे ये प्रोडक्ट जो है 15 दिन में अप्रोक्सीमेट पसंद आया, आई एम श्योर अगर आप इसे ट्राई करेंगे जरूर पसंद आएगा. एंड इस प्रोडक्ट के 3 डिफरेंट वेरिएंट्स हैं. अभी जो है मैंने 130 ml का परचेज करा, अगर आप इसे छोटा परचेज करना चाहते हैं वो भी 2 अलग वेरिएंट्स हैं. मैं दोनों के परचेज लिंक ढूंढ के आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी सो दैट एनी ऑफ यू इफ इंटरेस्टेड यू कैन डेफिनेटली बाय इट. एंड विद दैट आई डू होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपके लिए हेल्पफुल होगा. एंड यस, आप इसे ट्राई करिए, मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि अगर आपने इसे परचेज करा आपका रिजल्ट्स और आपका जो एक्सपीरियंस है इसके साथ कैसा रहा. एंड विद दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय.